हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। तो अभी तक हमने कवर किया कि जेम पे रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, प्रोडक्ट कैसे अपलोड करे जा सकते हैं, क्लोनिंग कैसे होगी, पेयरिंग कैसे होगी, फ्रेश प्रोडक्ट अगर आपको अपलोड करना है तो वो हमने सीखा कि कैसे आप लोग कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सर्विसेज के बारे में, थोड़ा सर्विसेज के बारे में सीखेंगे कि जिन लोगों को सर्विसेज अपनी लिस्ट करनी है, अपनी सर्विसेज ऐड करनी है जेम पे, तो वो कैसे कर सकते हैं। मैंने बताया चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विसेज हो, जब तक आप कैटलॉग नहीं बनाओगे तब तक आप उन कैटेगरीज के टेंडर में डील नहीं कर सकते, ना ही जेम का सॉफ्टवेयर आपको उन कैटेगरीज के टेंडर शो करेगा लॉगिन करने के बाद। तो आज हम सीखेंगे कि जेम पे सर्विस लिस्टिंग आपको कैसे करनी है, सर्विस का कैटलॉग आपको जेम पे कैसे बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जब बात आती है ना सर्विस लिस्टिंग की, तो जेम पे सर्विस लिस्टिंग करना बहुत ही ईजी है। आज से बात करूं मैं 3-4 महीने पहले की या 6-7 महीने पहले की, तो जेम पे सर्विस लिस्ट करना या उसे अप्रूव करना अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज था। हर एक सर्विस जेम के टीम के पास अप्रूवल के लिए जाती थी, कुछ भी आप अपडेट करते थे और उसका अप्रूवल आने में ना बहुत ही टाइम लग जाता था। इस बीच में होता था कि कई लोगों के टेंडर भी मिस हो जाते थे, तो वो काफी डिफिकल्ट हो गया था, काफी प्रॉब्लम उसमें आती थी। तो अभी जब भी आपको सर्विस लिस्ट करनी है ना, तो बहुत ही ईजी है। करना क्या है, कैटलॉग में जाना है, सर्विसेज में जाना है, एड न्यू ऑफरिंग पे आपको क्लिक करना है और सर्विस सेक्शन में आप एंटर कर जाते हो। तो जिस भी सर्विस को आप लिस्ट करना चाहते हो, जिस भी कैटेगरी की सर्विस आप ऑफर करना चाहते हो जेम पे, तो वो आप यहाँ पे सर्च करोगे, है ना। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैन पावर सर्विसेज आपको लिस्ट करनी है, तो मैन पावर आप टाइप करोगे और मैन पावर से रिलेटेड जो जो सर्विसेज यहाँ पे जेम पे अवेलेबल है ना, सॉफ्टवेयर आपको दिखाने लग जाता है। जिसको भी आपको लिस्ट करना है आप सिंपल उस पर क्लिक करोगे, इस तरीके का कुछ आपके सामने ओपन हो जाता है। क्रिएट पे आप क्लिक करोगे, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको डालना होता है। जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको इस चीज को छेड़ना ही नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको एड न्यू प्रोजेक्ट करना है। एड न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना वर्क ऑर्डर यहाँ पे अपलोड करना है, जो भी एक्सपीरियंस आपके पास है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है ना, और इसे सबमिट करना है। इनकेस अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है ये सेक्शन करना, आप सिंपल इसे कट करेंगे। इस सेक्शन को आपको ओपन ही नहीं करना है, डायरेक्ट आप आ जाइए रेट शीट के ऊपर। रेट शीट पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, रेट शीट यहाँ पे फिल करनी है। एड रो आप करोगे यहाँ पे, आप जो जो अपने अकॉर्डिंग जो आप ऑफर करना चाहते हो जेम पे, इन पे क्लिक करोगे तो ये ड्रॉप डाउन ओपन होता जाता है और आप अपने अकॉर्डिंग अपनी रेट शीट यहाँ पे फिल कर सकते हो। मैं अभी जस्ट आप लोगों को स्टेप्स दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ भी इनपुट डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो आपके लिए एप्लीकेबल है, जो भी आप ऑफर करना चाहते हो जेम पे, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर दोगे। ठीक है, ये सारे मैंने यहाँ पे फिल कर दिए, जो जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है, जो आपके लिए एप्लीकेबल है आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, यहाँ पे आप सारा प्राइस डालेंगे, प्राइस ऑन डिमांड का भी यहाँ पे ऑप्शन है, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो प्राइस, ये प्राइस ऑन डिमांड यहाँ पे दिखाने लग जाता है, वो लॉक हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एडिशनल जो सर्टिफिकेशन या प्रोवाइड आप करा रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी चार्ज है आपका वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है सर्टिफिकेट का, सर्टिफिकेट भी ये मैंडेटरी नहीं है। जिसके पास ISO सर्टिफिकेट है और जिसके पास नहीं है, तो दोनों ही लिस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ISO सर्टिफिकेट है तो आप इस पे क्लिक एडिट पे करके यहाँ पे अपना ISO सर्टिफिकेट की डिटेल डालेंगे। अगर आपके पास ISO सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको इस सेक्शन को नहीं छेड़ना है, इसमें एंटर नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट आ जाइए वैलिडेट एंड सेव करने पे। वैलिडेट एंड सेव करेंगे और आप देखेंगे कि 2 मिनट्स के अंदर, 2 मिनट के अंदर आपकी जो सर्विसेज है वो जेम पे लाइव हो जाती है, आप रेडी हो जाते हो उस कैटेगरी में डील करने के लिए। देख रहे हैं यहाँ पे ये सर्विसेज लाइव हो गई। तो बहुत ही इजी स्टेप्स है, बहुत ही इजीली आप जेम पे अपनी सर्विसेज लिस्ट कर सकते हो। कौन सी सर्विसेज आप जेम पे लिस्ट नहीं कर सकते, किस में कुछ डॉक्यूमेंट्स, किसी किसी सर्विसेज में कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं, तो वो अगर आपके पास हैं तो तभी आप उसे लिस्ट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ सिक्योरिटी गार्ड, तो कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होती है आपके लिए, तो अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास मैंडेटरी नहीं, आपके पास नहीं होगा ना, तो वो सर्विसेज आप लिस्ट नहीं कर सकते। जैसे सिक्योरिटी मैन पावर सर्विसेज में क्या होता है, पसारा सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो यहाँ पे पसारा सर्टिफिकेट लिखा हुआ है और साथ में ना ये मैंडेटरी है। पीछे वाली सर्विस में हमने देखा सर्टिफिकेट मांगा गया था ISO सर्टिफिकेट, बट वहां पे ये मैंडेटरी नहीं था, इसमें ये मैंडेटरी है। अगर आपके पास पसारा सर्टिफिकेट है
तो ही आप इसमें अपनी सर्विस लिस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें नहीं कर सकते। ऐसी ये कुछ अलग अलग सर्विसेज में एप्लीकेबल है, जैसे फूड से रिलेटेड आप सर्विसेज दे रहे हैं, कैंटीन सर्विसेज दे रहे हैं, या फूड से रिलेटेड कोई और सर्विसेज दे रहे हैं, केटरिंग सर्विस दे रहे हैं, तो उसमें फूड लाइसेंस मैंडेटरी है। तो कुछ फील्ड्स जेम पे ऐसी हैं, कुछ सर्विसेज जेम पे ऐसी हैं जिसमें कुछ सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है। अगर आपके पास है तो आप उसे लिस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी सर्विस लिस्टिंग जेम पे कर सकते हैं। जो भी आपकी सर्विसेज है, मैन पावर है, व्हीकल हायरिंग है, केटरिंग सर्विसेज है, सबके सेम स्टेप है, फॉलो करना है आपको और सर्विसेज आपकी लाइव हो जाएंगी। जैसे ही आप सर्विसेज लाइव करते हैं, कैटलॉगिंग कर देते हैं, तो जेम का सॉफ्टवेयर थोड़ा सा टाइम लेता है, 1 से 1.5 घंटा, और उसके बाद आपको जो टेंडर्स है वो भी आपकी जेम प्रोफाइल में वो शो करना स्टार्ट कर देता है। बहुत ही इजी स्टेप्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे कि जेम पे ऑर्डर कैसे अब लेना है। बहुत हो गया कैटलॉगिंग करना, प्रोडक्ट अपलोड करना, सर्विस लिस्टिंग करना। नेक्स्ट वीडियोस में हम सीखेंगे कि जो मेन हमारा मोटिव है जेम पे ऑर्डर लेना, तो वो किस तरीके से लिया जा सकता है, जिसमें डायरेक्ट ऑर्डर है, बिड्स वगैरह है, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।